अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट की रेसिपी, जिसका नाम है स्पेनिश ऑमलेट। बहुत ही मज़े की होती है ये, और इसे बनाना काफ़ी सिंपल है। देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है ये, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। लेयर्स देखिए, अब आलू का लेयर, अंडे का। मज़ेदार स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी बनाना अब हम शुरू करते हैं। स्पैनिश ऑमलेट बनाने के लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज के आलू। इसके स्लाइसेस कट कर लें, देखिए इस तरह से थोड़े से थिक कट कर लें, यानी थोड़े से मोटे काट लें, ज्यादा पतले ना करें। नेक्स्ट एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज, देखिए इसको भी थोड़ा सा मोटा ही काट लें। नेक्स्ट एक पैन में हम तेल गरम कर लेते हैं आलू और प्याज को फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो चुका है, इसमें स्लाइस किए हुए आलू डाल देते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे आलू को हम फ्राई कर लेते हैं। इनका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करिए। आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, सभी पीसेस को हम टर्न कर लेते हैं। आलू का कलर हल्का सा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हम इसमें प्याज डाल देते हैं। आलू के पीस को आप निकाल के चेक कर लें, ये ऑलमोस्ट 80-90% गल जाने चाहिए, वरना ऑमलेट में कच्चे लगेंगे। चलिए अब प्याज डाल देते हैं। प्याज को भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। प्याज और आलू तो हमारे फ्राई होके तैयार हैं। फ्लेम बंद कर दें और प्याज और आलू को एक प्लेट में निकाल के रख दें। तेल को हटा दें, जो एक्स्ट्रा तेल है उसे ना निकालिए, देखिए इस तरह से साइड से ही निकाल लें एक प्लेट में। नेक्स्ट एक बाउल में 6 अंडे ले लें, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, काली मिर्च पाउडर एक 4 से 5 चुटकी डाल दें, इसे अच्छे से फेंट लें। इसे अच्छे से फेंटने के बाद हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और प्याज डाल देते हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें, धीरे से मिक्स करिए, यानी जेंटली, वरना आलू टूट जाएंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही अनडिस्टर्ब रख देते हैं, ताकि जो आलू है वो अंडे के सभी जूसेस अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा, अभी बहुत ज्यादा पतला है। नेक्स्ट एक पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं, 2 टेबलस्पून जितना डालिए। पैन देखिए थोड़ा सा इस तरह से डीप होना चाहिए, तभी हमारा स्पेनिश ऑमलेट परफेक्ट बनेगा। तेल गरम हो चुका है, तेल को बहुत ज्यादा गरम ना करें। अब फ्लेम को लो पे रख के ये अंडों का मिक्सचर हम इसमें डाल देते हैं। इसे इवेनली स्प्रेड कर दें। इसे हम अब लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। इस पर लिड बंद कर दें। ऊपर से हम थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, देखिए साइड्स में आप इस तरह से देख लें, चेक कीजिए, देखिए ये यहां से अच्छे से थिक हो चुका है, धीरे से कीजिए। नेक्स्ट अंडे के ऊपर हम इस तरह से प्लेट रख देते हैं और इसको टर्न कर लें। देख सकते हैं आप कितना यमी लग रहा है। नेक्स्ट इसी अंडे को हम धीरे से इसमें डाल देते हैं।
फिर से हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं, बस एक 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम बंद कर दे। हमारा बहुत ही ज्यादा यमी और डिलीशियस स्पेनिश ऑमलेट अब तैयार है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इस साइड ये कितना जबरदस्त लग रहा है, इसे मैं आपको काट के दिखा देती हूं। देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है, लेयर्स देखिए आप, आलू का लेयर, अंडे का। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी अगर आपको पसंद आई, मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए, ये बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।